तो भाई का आज फर्स्ट संडे राइड होने वाला है। वैसे संडे राइड तो सुबह को होता है, बट आज हम लोगों का शाम को हो रहा है भाई। फर्स्ट टाइम संडे राइड। सुबह होता था, सबका सुबह होता है, हम लोगों का शाम को हो रहा है। हाँ चलो, तो अभी फिलहाल जा रहे हैं हम लोग पेट्रोल पंप, और उधर से जाना है हम लोगों को डायरेक्ट न्यू टाउन। तो आज एक्चुअली हम लोगों का आज प्लान बना है थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक करने के लिए और रील्स वगैरह बनाने के लिए फॉर आवर इंस्टाग्राम। फुल हवे कार्डे पे हवे तो कत 106টা তো নরমালটা। হ্যাঁ তো अभी डायरेक्ट जाएंगे हम लोग न्यू टाउन, उधर जाके थोड़ा सा फोटो वगैरह और रील्स वगैरह शूट करेंगे इंस्टाग्राम के लिए। और अरिंदम पीछे आ रहा है, अरिंदम का ये फर्स्ट संडे राइड हो रहा है। बंदा तो बहुत ही एक्साइटेड है, और वो बोल रहा था कि दो दिन में इसका देखो कितने अच्छे से चला रहा है, दो दिन में ये चलाना सीख गया एकदम। 300cc से डायरेक्ट 1000cc पे आ गया बंदा, और दो तीन दिन में कम्फर्टेबली एकदम चला रहा है। जो लोग अभी भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो, जल्दी से जाओ, क्योंकि हम लोग उधर बहुत अच्छा अच्छा रील्स वगैरह डालते रहते हैं। तो जिन लोगों को बाइकिंग रिलेटेड रील्स वगैरह फ़ोटो वगैरह अच्छा लगता है देखने को, जल्दी से जाओ और फॉलो करो। भाई साहब, मैं सिर्फ उसको पीछे से देखते ही जा रहा हूँ मैं। देखो यार, टायर साइज़ कितना मोटा है यार, बाप रे बाप। और क्या लग रहा है ओवरऑल व्यू देखो यार, कितना अच्छा लग रहा है। मैं तब से सिर्फ उसको ही देख रहा हूँ पीछे से। और एक बार पूछ क्या पूछा है, और एक बार पूछ। अच्छा लग रहा है, एकदम फालतू लग रहा है भाई। क्या टेनर लिया यार, H2 लेना चाहिए था। हट यार, अभी तो टेनर बहुत कॉमन हो गया ना। क्या भाई, क्या बोलो? हाँ बोलो, हाँ बोल। हाँ अंडरवेयर फट गया है। बोला कि इसका अंडरवेयर फट गया है खरीदने के लिए। तो फिलहाल हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, और इस इधर से स्ट्रेट जाने के बाद ही हम लोग का डेस्टिनेशन आ जाएगा। तो देखो अरिंदम को क्या रिएक्शन मिल रहा है यार, पूरा पब्लिक देख रहा है, सब मुड़ मुड़ के देख रहा है। देखो खतरनाक वाला रिएक्शन भाई, रातों रात स्टार बन गया है अरिंदम द सुपर बाइकर। देखो सब मुड़ मुड़ के देख रहा है, ड्यूक वाला भी देख रहा है। ये बाबा भाई कैसे निकल गया ये, बाप रे बाप। ये सामने ड्यूक वाला थोड़ा सा हाइपर हो गया। ये होता है यार, ये बहुत बार ऐसा ही होता है, टेनर देख के सामने हाइपर हो गया भाई। देखो क्या रिएक्शन है, भाई लोगों का भी रिएक्शन देखो, सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं इसको। अरे 9 फिर से आ गया तू, छोटा बड़ा सब देख रहा है इसको, मुड़ मुड़ के देख रहा है। देखो भाई कैसे गया ये, क्या कर रहा है यार, इतना हाइपर होने का क्या जरूरत है। बाप रे भाई, भाई कैसे निकला वो साला, पूरा पागल है यार। अभी एक 900 गया। चलो चलो। तो भाई रातों रात फेमस होने का क्या मतलब, रिएक्शन क्या है आपका, हर एक कोई सब आप कोई देख रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैं यही बोल रहा था मेरे वीडियो में कि अगर आप कभी सपने देखते हो ना, तो सपने का भी औकात एकदम यार, और साथ ही साथ हार्डवर्क करो तो वो जरूर करो। एकदम भाई मेरा दिल का बात बोल दिया। और देखो यार, सबका सपना पूरा होगा, ठीक है। भाई का सपना पूरा हो गया, हम लोगों का भी सपना एक दिन पूरा होगा,
भगवान के ऊपर विश्वास रखो और हार्डवर्क करते जाओ, एक दिन सब सपना पूरा होगा। तो चलो फिलहाल अभी फोटो सेशन स्टार्ट करते हैं और ये सब जो रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम पर। A few moments later. हो गया इधर फोटो सेशन वगैरह सब खत्म, ये सब आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरा इंस्टाग्राम में। कोता है अभी कोता है? तो भाई ने मेरे को चाबी दे दिया चलाने के लिए और ये मेरा फर्स्ट टाइम चलाऊंगा मैं। भाई ने नाम दिया इसका क्या? फोनिक्स। फोनिक्स है इसका नाम। हाँ हाँ ओके रुक 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 रुक। दिखाओ कैसा है। नॉर्मल लाइट चल रहा है ना आपका, अभी अंधेरा भी हो गया फिर भी अच्छा है। एक बार ये ओ भाई साहब क्या स्मूथ है भाई, मुझे एक्सलेशन देने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है भाई। गाड़ी ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से निकल जाना चाहता है। बाप रे बाप खतरनाक है भाई, इसीलिए इसको माइटी टेनर कहा जाता है। वैसे इसका नाम अभी टेनर नहीं है, इसका नाम अभी है फोनिक्स। ठीक है भाई, खतरनाक रिएक्शन मिल रहा है यार। उधर इतना भीड़ हो गया था तो इसलिए हम लोग उधर से निकल गए। तो अभी बज रहा है 6:45, हम लोग अभी जा रहे हैं दिल्ली रोड, जो उधर हम लोग का दुकान वगैरह है बहुत सारा, जिधर हम लोग थोड़ा सा चाय पानी पियेंगे और उधर भी जाके रिएक्शन कैप्चर करने का कोशिश करेंगे। तो गाइस कैसा लग रहा है मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम मैं ट्रेनर चला रहा हूँ और कैसा लग रहा है बताइए, कमेंट कीजिए। वैसे इसके ऊपर भी तो बहुत सारा ट्रिप आने वाला है, अभी आप लोगों को तो लगातार देखने को मिलेगा ट्रेनर। अरे भाई सारी अच्छा बाबू तुम्हें जेखने नहीं जाओ सेखने जाओ। ओ भाई साहब क्या मशीन है यार, अभी मैं थोड़ी देर पहले 80 उठाया था बट मेरे को ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि 80 पे चल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये फोर सिलेंडर है ना, कुछ भी वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं है और सेकंड गियर पे इतना स्मूथ चल रहा है, मेरे को पता भी नहीं चल रहा है कभी 80-100 ऐसा उठ रहा है, मेरे को पता भी नहीं चल रहा है, मुझे फील भी नहीं हो रहा है। 80 के ऊपर आ गए मैं तो फिर से 80 चला रहा हूँ और भाई ट्रेनर चलाने के बाद जब मैं 80 पे बैठा ना भाई, इतना लैक ऑफ पावर लग रहा है। देखो कितना दे रहा हूँ, कितना एक्सलेट कर रहा हूँ बट गाड़ी आगे ही नहीं जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। बट भाई आज एक कड़वा सच बता रहा हूँ, ट्रेनर में अभी चलाया फर्स्ट टाइम ठीक है और उसके बाद ही मैं 80 चला रहा हूँ भाई, इतना डिफरेंस है पोस्चर में, बहुत बहुत ही डिफरेंस है। क्योंकि मुझे लगता था कि RC सबसे मतलब हार्ड पोस्चर है चलाने के लिए, बट ट्रेनर चलाने के बाद भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेनर का पोस्चर इससे भी खतरनाक है यार, बहुत झुकना पड़ रहा है मेरे को। तुम भाई बहुत अच्छे हो यार, तुम्हारा पोस्चर बहुत अच्छा है, सॉरी इतना दिन तुमको ब्लेम करने के लिए। तो गाइस ज़रूर से कमेंट करो और बताओ कैसा लगा आप लोगों को ट्रेनर, द माइटी ट्रेनर, और मेरा फर्स्ट टाइम मेरा रिएक्शन था ट्रेनर चलाने का। तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि ऐसा अभी सुपर बाइक का कंटेंट भर भर के आने वाला है मेरे चैनल पे। और भाई और एक चीज़ मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, बहुत सारा सरप्राइजेस है, जैसे कि ट्रेनर एक सरप्राइज था वैसे और भी सरप्राइजेस आना बाकी है गाइस, तो स्टे ट्यून और बने रहो। तो चलो आज का वीडियो मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ और इतना जैम हो गया अभी और कुछ दिखाने का अभी बचा नहीं। ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्त लोगों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेरे साथ बने रहो। साइनिंग ऑफ रोलिंग मोटर ब्लॉग, पीस आउट।